नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नपुंसकता के बारे में और उसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है एग्नेस कैस्टर्स। ये होम्योपैथिक मेडिसिन आप कैसे यूज कर सकते हैं, अगर आपको नपुंसकता की परेशानियां है, आपका गुप्तांग अगर ढीला हो गया है या फिर आपको संभोग की इच्छा नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में ये मेडिसिन आप कैसे यूज कर सकते हैं और ये मेडिसिन आप कितने दिन तक यूज करेंगे, इससे आपको क्या फायदा मिलेगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उस वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप इससे मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो आजकल तो आप जानते ही है कि ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी है तो इसमें पुरुषों में नपुंसकता जो है वो बहुत अधिक बढ़ने लगी है, ये समस्या बहुत ज्यादा जन्म ले रही है। साथ ही साथ जो संभोग करने की इच्छा है वो भी खत्म हो रही है। जो परेशानियां है ये पुरुषों के लिए चिंता का विषय बन गया है। तो आज के इस टॉपिक में हम ये जो टॉपिक है इस पर बात करेंगे और उसके लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इन परेशानियों से उस पुरुषों को छुटकारा देंगी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो एग्नेस कैस्टर्स मेडिसिन है, किसी पुरुष में नपुंसकता हो गई है या फिर उनका गुप्तांग जो है वो ढीला हो गया है या फिर संभोग की इच्छा अगर कम है, तो उसमें ये जो एग्नेस कैस्टर्स मेडिसिन है ये बहुत ही कारगर दवा है। बहुत अच्छी तरह से ये दवा उधर यूज की जाती है और ये दवा जो है इसका सेवन आप लगातार करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो आपको इन परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही साथ आपका जो गुप्तांग है वो स्वस्थ और सेहतमंद रहता है, इससे पुरुषों की जो नपुंसकता है वो खत्म हो जाती है। तो ये जो दवा है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये जो दवा है इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है उसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि नपुंसकता। आपके जननेंद्रियों का अगर आप दुरुपयोग करते हो तो उसमें शिथिलता आ जाती है। आज के इस जमाने में जो युवक और युवतियां जो है वो बालपन में ही कुछ मास्टरबेशन वगैरह कर लेते हैं, तो उसके वजह से आगे चलकर बहुत सारी परेशानियां आ जाती है। वो बहुत ज्यादा इंद्रिय वासना में डूब जाते हैं, तो इसके वजह से आगे चलकर उनकी जो मैरिड लाइफ है तो उसमें बहुत ज्यादा परेशानियां आ जाती है। तो उस परेशानियों में जैसे स्मरण शक्ति उनका साथ नहीं देती, उनका शरीर जो है वो क्षीण हो जाता है, उनको थकान महसूस होती है। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है उसके बारे में हम बात करते हैं वो है जवानी में बूढ़ा सा लगना। वीर्य क्षय होने के कारण आपको जवानी में बूढ़ा लगने लगता है। जीवन में हताशा फिर निराशा आपको महसूस होती है। आत्महत्या करने का विचार आपके मन में आ जाता है। स्मृति दोष हो जाता है, यानी कि स्मृति का नाश हो जाता है। ऐसे अगर आपको सिम्टम्स महसूस होते हैं तो उस वक्त आप ये जो एग्नेस कैस्टर्स मेडिसिन है इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। मनुष्य इतना भुलक्कड़ हो जाता है कि वो अगर दुकान पर कुछ चीज खरीदने जाता है तो वो भूल जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो एग्नेस कैस्टर्स मेडिसिन है ये यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन के और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, जैसे कि सफेद पदर यानी कि ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया की बहुत ज्यादा तकलीफ होती है महिलाओं में, तो उस वक्त ये एग्नेस कैस्टर्स मेडिसिन यूज करते हैं। जैसे कि अधिक भोग होने के कारण योनि में शिथिलता आ जाती है और उसके कारण ये जो ल्यूकोरिया है वो बढ़ जाता है, और ये ल्यूकोरिया का जो श्राव है वो सूखने पर कपड़ा जो है उस पर पीले दाग आ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी ल्यूकोरिया में ये जो एग्नेस कैस्टर्स मेडिसिन है ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है इस मेडिसिन का वो है प्रसूति के बाद दूध न आना। अगर कोई महिला है जो नर्सिंग वुमन है उनमें अगर मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है या फिर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये एग्नेस कैस्टर्स मेडिसिन यूज की जाती है। ये जो मेडिसिन है अगर ये यूज करते हैं तो दूध आने लगता है या फिर कम उतरता हो तो वो बढ़ जाता है, तो ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है ये एग्नेस कैस्टर्स मेडिसिन के। तो ये जो एग्नेस कैस्टर्स मेडिसिन अगर आप यूज करते हो तो जो भी परेशानियां है नपुंसकता की या फिर ल्यूकोरिया की या फिर जो भी मिल्क सप्रेशन की परेशानियां है तो वो कम हो जाती है।
अगर किसी पुरुष में हस्तमैथुन करने के बाद उनके शरीर में बहुत ज्यादा थकान आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, उनका गुप्तांग ढीला हो जाता है, तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से यूज की जाती है। तो अब बात करते हैं ये मेडिसिन आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन आप मदर टिंचर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं या फिर डायल्यूशन में 200 पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप मदर टिंचर में यूज करते हैं तो इसके पास या 5 या 10 बूंद 1/4 कप पानी में मिलाकर दिन में 2 या 3 बार ले। तो ये मेडिसिन लगातार आप 2 महीने के लिए यूज करते हैं तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है नपुंसकता की या फिर गुप्तांग ढीला होने की, ल्यूकोरिया की या सप्रेस मिल्क की, तो वो कम हो जाती है। ये जो मेडिसिन है ये आप डाइल्यूशन फॉर्म में भी यूज करते हैं तो एग्नेस कैस्टर्स 200 पोटेंसी में आप लेके आते हो तो इसके 2 बूंद आपको आपके जीभ पर डालनी है और ये मेडिसिन आपको दिन में 2 बार लेनी है। तो ये मेडिसिन आप कंटिन्यू 1 या 2 महीने के लिए यूज करते हैं तो आपकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।